मीडिया में हम सब लोग, आप सब लोग भी आ रहे हो और ये एक्सीलेंस का एक दौर है। एक्सीलेंस मतलब आपका जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि हो उसमें आपको एक्सीलेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप स्ट्रगल करते रहोगे। एक ज़माना था ना कि जैक ऑफ ऑल, हम लोग शायद पढ़ते भी हैं जैक ऑफ ऑल, जर्नलिस्ट जो है वो जैक ऑफ ऑल है। जैक ऑफ ऑल होना तो ठीक है, लेकिन आपको किसी एक क्षेत्र में अपनी विशेष रुचियों के अनुसार अपने आप को एक्टिवेट करना होगा और उसमें अपने आप को इतना विशिष्ट बनाना होगा कि आपको उस विषय पर, आपको आप पर विश्वास किया जा सके। एक कॉपी आती है, एक कोई खबर है, एक व्यक्ति जिस उसमें मन लगा के उसमें कुछ खास उसके पास भाषा है, वो उसमें से न्यूज़ वैल्यू ढूंढ लेता है, वो अलग दिखाई देने लगता है। तो हमें, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि एक अपने आप को एज एन इंडिविजुअल अपने आप को आपको ग्रूम करने की हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। आप सब लोग जो मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपकी, आपका ड्रीम ये होगा कि किसी एक अच्छे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक शाइनिंग जॉब मिले, यही है ना। अब दूसरी बात ये, तो आपको लगता है कि बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, जॉब नहीं मिलता, शाइनिंग जॉब की बात मैं कर रहा हूँ एज एन एडिटर, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से मैं टेबल के इधर बैठा हुआ हूँ। जहाँ हम, आप जैसे लोग हमसे मिलते हैं तो हम हमेशा उनमें संभावनाएं देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति में क्या, इस व्यक्ति को हम लोग कैरी कर सकते हैं किसी न किसी रूप में, आज नहीं तो कल। तो आप, आपको जॉब चाहिए और शाइनिंग जॉब चाहिए और एडिटर्स को, मीडिया हाउसेस को शाइनिंग कैंडिडेट्स चाहिए। जो मोटी बात है, मैंने कहा ना इंडिविजुअल टैलेंट, क्योंकि आप यहाँ ग्रुप में बैठे हुए हैं, जब आप एक जॉब की तलाश में जाते हैं तो आप एक व्यक्ति होते हैं, एक मीडिया पर्सन होते हैं, और हर एडिटर को शाइनिंग कैंडिडेट्स की, ऐसे लोगों की तलाश रहती है। और बहुत बड़ा वैक्यूम है, ये एक फैक्ट है, नाउम्मीदी की कोई बात नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा टेलीविज़न का, प्रिंट का, HT का, और इस समय जागरण में हूँ, न्यूज़ में, फीचर में, सभी जगह, सच बात तो ये है कि हम लोग कई बार कई लोगों के साथ काम चलाते रहते हैं और उपयुक्त पात्र के इंतज़ार में महीनों और महीनों क्या सालों इंतज़ार करते हैं कि क्या कोई उपयुक्त पात्र मिलेगा हमें। ये एक बड़ा भारी गैप है, नौकरियां हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शाइनिंग जॉब्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप, आपने अपने आप को शाइनिंग मीडिया पर्सन के तौर पे अपने आप को ग्रूम किया है?